वैसे तो हर तरह की कसरत आपको सेहतमंद बना सकती है और कई दूसरे फायदे भी दे सकती है, लेकिन अगर हम सबसे अच्छी एक्सरसाइज की बात करें तो कई एक्सपर्ट्स आपको दौड़ लगाने की सलाह देंगे। वो आपको दौड़ने की सलाह इसलिए देते हैं कि ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल सकते हैं। यहाँ मैं आपके साथ उन 5 फ़ायदों को शेयर करने वाला हूँ जो आपको रोज़ दौड़ लगाने से मिल सकते हैं और आपको दौड़ने के लिए एनकरेज कर सकते हैं। हड्डियाँ मजबूत होंगी। उम्र बढ़ने के साथ हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं और महिलाओं में तो ये समस्या और भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि दौड़ लगाने में आपके पैरों और शरीर के बाकी हिस्सों पर वजन पड़ता है तो हड्डियाँ धीरे धीरे मजबूत होने लगती हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप दौड़ें तो उसके साथ डाइटिंग ना करें, क्योंकि आपको कैलोरीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है और अगर आप कैलोरीज़ प्रॉपर नहीं लेते हैं तो आपकी हड्डियों पर बुरा असर हो सकता है। तो सिर्फ आपको अच्छे से खाना खाना है और आपकी हड्डियाँ मजबूत होने लगेंगी। दिल सेहतमंद होता है। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप दौड़ते हैं तो आप सांसें तेज़ी से लेते हैं, आपका दिल ज़ोर से धड़कता है, फेफड़ों में ज़्यादा हवा आती है और इसका सीधा असर आपके दिल पर होता है, हार्ट की कैपिलरीज पर होता है और आपका दिल मजबूत होता है। यानी कि अगर आप थोड़ा थोड़ा करके रोज़ दौड़ते हैं तो आपके दिल की बीमारियों का खतरा लगभग ख़त्म हो जाएगा। वज़न पर कंट्रोल होता है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप दुबले हैं या मोटे हैं, दौड़ने से आपका वज़न कंट्रोल में आ सकता है। दौड़ने से शरीर का मेटाबॉलिज्म या खाने को हजम करने की प्रोसेस तेज़ हो जाती है, जिससे आपका वज़न कंट्रोल में हो जाता है। यानी कि अगर आपका वज़न बहुत कम है तो वो बढ़ जाएगा और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो शरीर पर जो जमा चर्बी है वो जल जाएगी और आप फिट हो जाएंगे। इससे आपका वज़न कंट्रोल में आ जाएगा, आप बहुत अच्छे दिखने लगेंगे। तनाव ख़त्म होता है। आज के समय में हम सभी ज़िंदगी में बहुत से तनाव से घिरे होते हैं और ध्यान या योग करना हम सभी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, पर अगर आप रोज़ सिर्फ कुछ मिनट दौड़ते हैं तो आपका तनाव बहुत हद तक कम हो जाएगा और आपको अपने काम को करने के लिए पूरी एनर्जी मिल जाएगी। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं रोज़ दौड़ता हूं और शायद यही एक वजह है जो मुझे दौड़ने के लिए एनकरेज करती रहती है। बीमारियां कम होती हैं। दौड़ लगाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी होता है कि आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कई खोजों ने साबित किया है कि दौड़ने से महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम हो जाता है। साथ ही कई डॉक्टर अपने अलग अलग मरीजों को दौड़ लगाने की सलाह देते हैं। तो अगर आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप या ऐसी दूसरी बीमारी है जिसकी वजह से आप रोज़ दवाइयाँ खाते हैं, तो एक बार आप अपने डॉक्टर से बात कीजिए और अगर वो सलाह देता है तो आप दौड़ना शुरू कीजिए और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। इसके अलावा दौड़ने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपकी निराशा ख़त्म होती है और आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। साथ ही दूसरे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। तो आप भी इस सिंपल सी एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। उम्मीद है इस जानकारी ने आपको दौड़ने के लिए प्रोत्साहित किया होगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और उन्हें भी दौड़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ थम्सअप करिएगा और ऐसे ही वीडियो मैं हर हफ्ते पोस्ट करते रहूँगा, तो उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल का बटन दबा करके अलर्ट्स को ऑन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।